क्लास स्टूडेंट्स, आई एम संगीता फ्रॉम तक्षशिला मॉडल स्कूल और आज इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। तो ओपन करिए पेज नंबर 190 ऑफ योर ईवीएस बुक्स, जहां पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। और जो टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे वो है प्लेसेस इन अ नेबरहुड। कौन कौन सी प्लेसेस हमारे नेबरहुड में पाई जाती हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कौन सी प्लेसेस के बारे में पढ़ा था जो हमें हमारे नेबरहुड में मिलती हैं? हमने जाना था मार्केट के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में और बैंक्स के बारे में। ओके, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ये सब हमें हमारे नेबरहुड में मिलते हैं। लेट अस अगेन रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता था? जो भी एरिया होता है हमारे सराउंडिंग में, जो एरिया है हमारे हाउस के अराउंड, वो नेबरहुड कहलाता है। और नेबर्स कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे घर के आसपास, हमारे अराउंड जो लोग रह रहे हैं उनको हम नेबर्स कहते हैं। ओके, सो हमारे नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस, मार्केट और बैंक्स के अलावा और कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल के बारे में। ओके, हॉस्पिटल भी जो है हमें हमारे नेबरहुड में मिलता ही है। अब बच्चों, हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम तब जब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, when we are sick। sick का मतलब क्या होता है? sick का मतलब होता है बीमार। ओके, तो जब हम बीमार होते हैं तब हमें हॉस्पिटल जाने की नीड होती है। ओके, अब हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारा ट्रीटमेंट यानी कि हमारा इलाज कौन करता है? हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, हमें नर्सेज मिलती हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं। ओके, तो जो हमें मेडिसिन देता है वो कौन होता है? वो डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें ट्रीट करते हैं, कैसे? हमें मेडिसिन प्रोवाइड करके। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, हमें जो भी डिजीज होती है, जो भी बीमारी होती है, उसके लिए डॉक्टर्स हमें मेडिसिन यानी कि दवाइयां प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद जो नर्सेज होती हैं, नर्सेज क्या करती है? नर्सेज पेशेंट्स की टेक केयर करती है, उनकी देखभाल करती है। पेशेंट्स कौन होते हैं? पेशेंट्स होते हैं मरीज, जिन लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं हॉस्पिटल में उनकी देखभाल जो है फिर कौन करता है? नर्सेस करती हैं। ओके, सो मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रोवाइड करता है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है और नर्सेस जो होती है वो देखभाल करती है पेशेंट्स की। ओके, अब हॉस्पिटल जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े स्केल पर होते हैं। अब कुछ नेबरहुड्स में क्या होता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, सो उन हॉस्पिटल्स को हम डिस्पेंसरी कहते हैं। ओके, तो डिस्पेंसरी क्या है? अगर एक तरह से छोटा हॉस्पिटल जो होता है उसको हम डिस्पेंसरी कहते हैं। तो कुछ नेबरहुड्स में डिस्पेंसरीज मिलती हैं, जो बड़े नेबरहुड हो जाते हैं उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिलते हैं। ओके, डिस्पेंसरी में भी सेम हमारा ट्रीटमेंट होता है, वहां पर भी डॉक्टर्स और नर्सेस होते हैं, बस वो छोटा होता है। ओके, अब कुछ नेबरहुड्स में हमें केमिस्ट शॉप्स भी मिलती हैं। केमिस्ट शॉप्स कौन सी शॉप्स होती है? शॉप्स यानी कि दुकानें। केमिस्ट शॉप्स ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर जाकर हम मेडिसिन यानी कि दवाइयां खरीदते हैं। जो भी मेडिसिन हमें डॉक्टर लिखकर देता है उस मेडिसिन को हम खरीदते हैं। कहां पर जाकर? केमिस्ट शॉप पे जाके। सो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं और हमें ठीक करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर हॉस्पिटल विच अनदर प्लेस डू यू फाइंड इन योर नेबरहुड? हमें अपने नेबरहुड में हॉस्पिटल के अलावा और कौन सी प्लेस मिलती है? फायर स्टेशन। फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग। ठीक है, सो फायर स्टेशन पे हम कब कॉल करते हैं? फायर स्टेशन होता क्या है? जब बड़ी आग लग जाती है, इन केस ऑफ बिग फायर, जब बहुत ज्यादा आग लग जाती है जिसको बुझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमसे, फिर हम जो है फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं। ओके, तो फायर स्टेशन को हम कब कॉल करते हैं? जब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी जो है फायर लग जाती है। अब फायर स्टेशन पे जब हम कॉल करते हैं तो फिर कौन आता है आग बुझाने के लिए? फायर स्टेशन पे जो है फायर इंजन्स होते हैं और फायर फाइटर्स होते हैं। सो हुआ फायर फाइटर्स? फायर फाइटर्स वो लोग होते हैं जो आग बुझाते हैं। ओके, किसकी हेल्प से? फायर इंजन्स की हेल्प से। जो गाड़ियां होती है जिसकी हेल्प से वो पानी थ्रो करते हैं आग पर, फायर पर, ठीक है, वो फायर इंजन्स होते हैं और फायर फाइटर्स वो लोग होते हैं जो आग को
बुझाते हैं. सो फायर फाइटर्स दे पुट आउट फायर. पुट आउट फायर का मतलब आग बुझाना, ठीक है. सो दे पुट आउट फायर, आग को बुझाते हैं एंड दे सेव पीपल. और आग को बुझा के वो लोगों की जान बचाते हैं. Let us take the help of a video to understand how firefighters work. So, जब भी हमारे नेबरहुड में एक बिग फायर लगती है सो फायर स्टेशन से फायर फाइटर्स आते हैं एंड दे पुट आउट फायर. इस तरह से वो पानी डालकर आग को बुझाते हैं और लोगों की लाइफ्स को सेव करते हैं. सो अनदर प्लेस दैट वी फाइंड इन द नेबरहुड इज पुलिस स्टेशन. ओके, पुलिस स्टेशन भी जो है नेबरहुड्स में मिलता है. ओके, अब पुलिस स्टेशन क्या होता है? पुलिस जो होती है वो क्या करती है? पुलिस गार्ड आर नेबरहुड एंड कीप अस सेफ. ठीक, अब पुलिस क्या करती है? जो हमारा नेबरहुड है, जो हमारा हमारे घर के अराउंड जो एरिया है सारा, ठीक है, वो उसको क्या करती है? उसको गार्ड करती है, ठीक है, और वहां पर जो लोग हैं, हमारा जो नेबरहुड है, उनको वो सेफ रखती है. ओके, हमें लॉस्ट गुड्स को फाइंड करने में भी हेल्प करती है. अगर हमारा सामान खो जाता है, चीज़ें खो जाती हैं, ठीक है, जो काफ़ी अगर कॉस्टली होती हैं, तो पुलिस जो है हमें हेल्प करती है उनको फाइंड करने में. और पुलिस क्या करती है? जैसे अगर चोरी हो जाती है, जो लोग क्राइम करते हैं उनको पकड़ती है, उनको पनिश करती है, ठीक है. अब कुछ पुलिस जो होती है वो ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है. जैसे हम रोड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं, ठीक है, उनको जो है ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है. ट्रैफिक पुलिस उनको देखती है कि किसको जाने देना है, किसको कब रोकना है, वो सारा काम वहां पर कौन सी पुलिस कर रही होती है? ट्रैफिक पुलिस. तो उस वाली पुलिस को हम ट्रैफिक पुलिस बुलाते हैं. जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको हम ट्रैफिक पुलिस बुलाते हैं. एंड वी शुड ऑलवेज ओबे ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस को हमें हमेशा ओबे करना चाहिए. ट्रैफिक पुलिस जो भी सिग्नल देती है, जो भी साइन देती है, वो हमें मानना चाहिए. वी शुड ऑल्सो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सब हमें फॉलो करने चाहिए. ठीक है बच्चों, सो पुलिस कैसे काम करती है? पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन हमारे नेबरहुड को सेफ रखते हैं. किससे? रॉबर्स, थीव्स और बैड पीपल से. और श्योर करते हैं कि सारे सीनियर सिटीजन्स और सारे बाकी सिटीजन्स सेफ रहें. और पुलिस का ऑफिस पुलिस स्टेशन कहलाता है. वो देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में सब ठीक है या नहीं. तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है. तो हमने अपने नेबरहुड में कौन कौन सी प्लेसेस के बारे में पढ़ा? मार्केट, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, और आज हमने किसके बारे में पढ़ा? हॉस्पिटल, फायर स्टेशन एंड देन पुलिस स्टेशन. ओके, सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे. तो चैप्टर रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा ध्यान से. ओके, बी सेफ. थैंक यू.